मकर संक्रांति आते ही हर घर में तिल गुड़ के लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुड़ के लड्डू जो होते हैं वो हार्ड बन जाते हैं या फिर इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो चलिए मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके तिल गुड़ के लड्डू भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्लॉग्स एंड रेसिपी, और मैं हूँ खुशबू। तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम सफ़ेद तिल। इसको अच्छे से साफ करके ले लेंगे। 2 चम्मच हम लेंगे घी। 1/2 कप के करीब में हम ले लेंगे मूंगफली। इसको भून के छील के उतार के लेंगे। आप चाहे तो मूंगफली के बिना भी बना सकते हैं, मूंगफली डालना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन मूंगफली डालने से तिल के लड्डू में अच्छा टेस्ट आता है। गुड़ लेंगे हम 250 ग्राम। जितने हमें तिल लेने हैं उतना ही गुड़ लेना है। तिल और गुड़ की मात्रा बराबर रखेंगे तो तिल के लड्डू जो हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 1 से 2 चम्मच काला तिल भी इसी में हम मिक्स करके बनाएंगे इस लड्डू को, क्योंकि इस महीने में काला तिल खाना और इसका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब में लिया है काला तिल। तो ये हो गए सारे सामान जो हमें चाहिए तिल के लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं तिल गुड़ के लड्डू बनाने। अब हम सबसे पहले गैस पे एक कढ़ाई रख के हल्का सा गर्म करेंगे और उसके बाद से इसमें हम सारा सफ़ेद तिल डाल देंगे और जो हमने काला तिल लिया था उसको भी इसी के साथ डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। ध्यान रखें इसको एकदम लगातार चलाते रहें, छोड़े नहीं, वरना ये तिल जो है बहुत जल्दी जल जाता है। तो अभी 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम भून लेते हैं। अभी 4 मिनट हो चुका है तिल को भूनते हुए, तो आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है, यानी कि ब्राउन होने लग गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसको 6 से 7 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे भूनेंगे ताकि तिल जो है वो अच्छे से पक जाए और बढ़िया सा भून जाए। तो धीमी आंच पे इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अभी इसको 7 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे भूना है। तो पहले 4 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पे भूना था, अब 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूना है। तो ये अच्छा भून गया है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और अच्छे से इसको ठंडा होने देंगे। कढ़ाई में ना छोड़ें, वरना कढ़ाई गर्म है तो तिल जल सकता है। अब हम उसी कढ़ाई को दोबारा से गरम करेंगे और उसमें जो हमने घी लिया था ना 2 चम्मच उसको डाल देंगे और कढ़ाई में गुड़ भी डाल देंगे। तो गुड़ को कढ़ाई में डालने से पहले मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेज में इसको कट कर लिए हैं। एक चाकू की हेल्प से आप कट करेंगे ना तो सारे गुड़ अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में कट जाते हैं। जब गुड़ को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में करके डालेंगे तो ये मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी से पिघल जाएगा। तो इस तरीके से गुड़ जो है पिघलने में जो टाइम लेता है वो टाइम नहीं लेगा, तो फिर जलेगा नहीं। आप इसमें कोई सा भी गुड़ यूज कर सकते हैं, जो भी गुड़ आपके पास हो। अब इसको घी में डालने के बाद से हम अच्छे से एक बार से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो बिल्कुल ज़रा सा हमें पानी डालना है, 2 से 3 चम्मच के बराबर में। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बस बहुत ज़रा सा पानी डालूँगी, 2 से 3 चम्मच। और बस पानी डालने के बाद से इसको लगातार चलाते रहें और स्पून से गुड़ को दबा दबा के मेल्ट करते रहें, तो ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, साइडों से इसमें झाग भी आने लग गए हैं। तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और इसमें अच्छे से बबल्स आने का इंतज़ार करेंगे। और ये देखिए अच्छे से इसमें बबल्स आने लग गए हैं, बिल्कुल बढ़िया सा परफेक्ट हमारा गुड़ का पाक बन के तैयार है। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि गुड़ का पाक रेडी है, तो इसके लिए हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें हम 1 से 2 बूंद एक गुड़ का मिश्रण जो है इसको डाल के देखेंगे। तो ये जो मिक्सचर है ये नीचे बैठ जा रहा है पानी में, यानी कि हमारा गुड़ का पाक बन के रेडी है। और अगर ये पाक रेडी नहीं होता तो ये जो है गुड़ का, मतलब जो भी हमने गुड़ का डाला है पानी में, वो फैल जाता है, वो एक जगह इकट्ठा नहीं होता। तो अब हम तुरंत ही गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो मूंगफली हमने ले रखी थी ना इसमें डालने के लिए वो डाल के मिक्स कर देंगे और जो तिल भून के रखा था इसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के मिक्स करेंगे। ध्यान रखें कि सबसे पहले आप गैस ऑफ कर दें, वरना गुड़ जो है वो टाइट हो जाएगा, तो गुड़ के तिल के लड्डू जो हैं वो आपके कड़क हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है।
यहाँ पे गुड़ में तिल और मूंगफली जो है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लड्डू बनाने के प्रोसेस में। इसको हमें रख के छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही फटाफट से लड्डू बनाने हैं, वरना ये जो है जम जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम कटोरी में थोड़ा सा ठंडा पानी रख लेंगे और इसको हाथों में लगा लेंगे, क्योंकि ये जो गुड़ का मिक्सचर है ना तिल वाला, ये बहुत ही गर्म है और गर्म ही गर्म हमें बांधना है, तो हाथ ना जले इसके लिए हमें हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेना है। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसको लेके ऐसे लड्डू की शेप में हम बांधते जाएंगे, मतलब जितना बड़ा आपको बनाना है उतना आप ले लीजिए। और ये देखिए हाथ में रखते ही अपने आप से बहुत ही बढ़िया से बंध जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं फैल रहा है। तो बस फटाफट से इसको गर्म गर्म बांधते जाना है। इस काम में आप अपने घर में किसी भी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं, जिससे लड्डू फटाफट से बन जाए, वरना गुड़ का पाक जो है ठंडा होते ही टाइट हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको एक बार से बाद में गर्म कर सकते हैं, लेकिन गर्म करने पे थोड़ा सा मतलब हार्ड ही हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि फटाफट से इस लड्डू को बांध लें। यहाँ पे जो है लड्डू ना बहुत ही अच्छे से एकदम आसानी से बंधे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा हाथ में रखते ही बंध जा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने पाग एकदम परफेक्ट बनाया है। तो जब गुड़ का पाग एकदम बढ़िया बनता है ना तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप भी इसी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए तिल के लड्डू बनाएं। तो बस इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे सारे लड्डू बन गए हैं और सारे बिल्कुल बढ़िया एकदम परफेक्ट तरीके से बने हैं। आप चाहें तो इस लड्डू में काला तिल डालें या उसे स्किप कर दें, मूंगफली भी आप पे डिपेंड करता है कि आप डालें या उसे भी स्किप कर दें। आप इस लड्डू को सिर्फ गुड़ और तिल से भी बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक ज़रूर करें। आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति।